हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा पेंट सॉफ्टवेयर के व्यू मेन्यू के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पेंट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो चलिए हम व्यू मेन्यू के अंदर चलते हैं। ये देखिए व्यू मेन्यू के अंदर कितने ऑप्शन हैं, मैं इन ऑप्शन को पूरा बताऊँगा। तो मेरा पहला ऑप्शन है दोस्तों जूम इन। जूम इन क्या होता है दोस्तों? तो चलिए यहाँ से कोई चीज़ बना लेते हैं, यहाँ से कोई शेप्स यहाँ से, ठीक है, इसके अंदर कोई डिजाइन कट कर लेते हैं यहाँ थोड़ा सा। ठीक है, ये हमें बना रहे हैं। इससे क्या होता है जूम इन से, मतलब अपने पेज को हम बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल बार को भी क्लिक करके ड्रैग करा के आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारा पेज जूम हो चुका है। तो इससे हम अपने पेज को जूम कर सकते हैं, मतलब बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जूम हो चुका है। और जूम आउट से क्या होगा, पेज हमारा छोटा होगा, मतलब जूम कम होगा। ठीक है, ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जूम स्लाइड से जाके यहाँ से माइनस करेंगे छोटा होगा, प्लस करेंगे बड़ा होगा। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, आप तक जो है कितना जो है कि कितना जूम किए रहेंगे, कितना बड़ा जो है पेज को अपने जो है जूम किए रहेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है 100%, इधर क्लिक करेंगे दोस्तों तो कितना जूम रहेगा, कितना जो है कि जूम आउट रहेगा, तो इसमें फिट पेज में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ बहुत छोटा कर दिया, फिर क्लिक करेंगे तो हमारा फिट पेज में हो जाएगा। ठीक, ये होता है इस ऑप्शन के साथ। रूलर बार से रूलर बार को मंगा सकते हैं, अनचेक करके गैप कर सकते हैं। ठीक है, ग्राइटनेस ग्राइटनेस को चेक करके मंगा सकते हैं इसमें। और ग्राइटनेस का फ़ायदा आपको क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, ग्राइटनेस से एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने नेम लिखा। ठीक है, नेम से मान लीजिए यहाँ से कोई से हमको थोड़ा डायलॉग बॉक्स चाहिए दोस्तों इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद बनाने के बाद मैं सेलेक्ट ऑप्शन पर जाऊंगा और यहाँ से इसको सिलेक्शन करूँगा। पहले सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों, फिर इसके बाद शो कंट्रोल बटन को अपने कीबोर्ड पे प्रेस किए रहेंगे और ये माउस की सहायता से ड्रैग कराएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये फायदा रहेगा दोस्तों कि हमारे जो ये ग्राइटनेस है कि जब भी हम यहाँ से ड्रैग कराएंगे दोस्तों, तो हम जो हमारा सेल्स जो है ड्रैग हो रहा है, कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे में टेढ़ा ना हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे में ना हो रहा है। तो इस तरह से आप ग्राइटनेस की सहायता से देख के अनुमान लगा के कर सकते हैं। ये देखिए हमारा, तो यहाँ से कर सकते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर आप लोग को पता नहीं होगा दोस्तों कि ये कॉपी करने का एक और तरीका होता है। जैसे मान लीजिए हम सिलेक्शन करके कॉपी करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद कॉपी ऑप्शन का यूज़ करते हैं, और चाहे जो आप शॉर्टकट यूज़ करते हैं जैसे कंट्रोल सी, इससे भी पेस्ट होता है। लेकिन मैं आप लोगों को तरीका बताऊँगा दोस्तों कि आप कीबोर्ड की सहायता से, कंट्रोल की सहायता से आप ड्रैग का कॉपी कर सकते हैं। तो करने के लिए कंट्रोल की सहायता से आप क्या करना होगा, पहले सिलेक्शन करना होगा, फिर कंट्रोल बटन को दबाए रखना है, इसके बाद माउस पॉइंटर के लेफ्ट वाले बटन को दबा के आप ड्रैग कराएंगे दोस्तों। तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह, ठीक है, ये देखिए हो रहा है। जब भी ड्रैग छोड़ देंगे दोस्तों, फिर क्लिक करेंगे कंट्रोल बटन को, फिर छोड़ देंगे, फिर क्लिक करेंगे, दबाए रखेंगे और ड्रैग करेंगे, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से भी हम कॉपी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।